अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग कृषि सस्य विज्ञान का पेपर है 2023 का, उस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यह केवल कृषि भाग विद्यार्थियों के लिए है। पूर्णांक आपका 50 नंबर का होता है, तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो भी क्लास में जुड़े, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से। दिया है पोगल भी कि बी कटाव नोच का आमतौर पर सूत्र, मतलब इसी को हम क्या कह देते हैं कि बी नोच का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर क्या आता है, क्यू बराबर 0.0138 एच स्क्वायर रूट एच, द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पूसा नन्हा प्रजाति है किसका? तो आपसे पूसा नन्हा भोजन प्रजाति, तो आप किसके बताओगे ना कि पपीता की। अब हम यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी डिस्कस कर लें। आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, हमारा मैंगीफोरा इंडिका होता है। पपीता का कैरिका पपाया होता है। सेब का मेलिस डोमेस्टिक्स होता रह गया, पायरस मेलस होता रह गया। केला का कैरिका पपाया होता है। लीची का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, हमारा लीची का उत्पत्ति स्थान चीन होता है। लीची का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, हमारा चीन होता है। और अगर कोई आपसे पूछे लीची का वर्टिकल नेम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि लीची चाइनेसिस। क्या है, लीची चाइनेसिस है, लीची चाइनेसिस है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, 7 सेंटीमीटर पीएच कम, मतलब ऐसी मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम होते क्या कहलाती है। तो अम्लीय मृदाएं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय मृदा कहते हैं, जिसे 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन है न्यूट्रल कहते हैं। हम लोग एक ही ऑप्शन पर नहीं टेली करना है, हम लोगों को चारों ऑप्शन टेली करने हैं। चारों ऑप्शन को टेली करते हुए हम लोगों को पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे 23 का ही पेपर सॉल्व करेंगे, हम लोग चारों ऑप्शन सेट करेंगे, इससे हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी। क्या निम्न में से कौन कुकुरबिटेसी कुल में आता है? अच्छा, कुकुरबिटेसी कुल क्या होते हैं, कद्दू वर्गीय की फसलों को। तो हमारी कुकुरबिटेसी कुल में आता है, देखो मूली नहीं आता है, अगर आपसे पूछे गाजर नहीं आता है, प्याज नहीं आता, कौन सा आता है, लौकी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये लताए वाले शब्द हैं। ओके, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग निश्चित्री क्वेश्चन क्या हमारे पास दिए हैं। प्याज की रुपाई का समय, तो अगर आपसे प्याज की रुपाई का समय बोलेगा तो कब लोगे, अक्टूबर से नवंबर तक होता है। कितना होता, अक्टूबर से नवंबर तक होता। सिंचाई की दो विधियों लिखिए, क्या सिंचाई की दो विधियाँ, तो सिंचाई की दो विधियाँ क्या हो गए रखे, एक तो हो गए रखे हमारी भूपृष्ठी हो गई, एक अधोपृष्ठी हो गई रखे। और भूपृष्ठी में आप हम कैसे समझेंगे रखे, छिटकवा विधि कौन सी हो रखे, एक हमारी टपक विधि हो गई, टपक विधि। अब टपक विधि में हम लोग क्या करते हैं, बूंद बूंद के ऊपर कोई पेड़ है उसका क्या, बूंद बूंद के ऊपर बारिश के रूप में रहता है। और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, कोई पेड़ है उसकी जड़ के पास में छोटी छोटी बूंद के रूप में छिड़काई की जाती है। तो बहुत से क्या, दो प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक का मतलब होता है जिसमें मानव जनित ना है कि प्राकृतिक तरीके से ही किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे सपोज भूकंप हो गया रखे, ये हमारी क्या प्राकृतिक आपदा है रखे, भूकंप, बाढ़ हमारी क्या है प्राकृतिक आपदा है, इसको किसी ने भी कोई लाया नहीं, ये सब हमारी क्या है प्राकृतिक आपदा है, ये हमारी क्या है प्राकृतिक आपदा है। ओके, इसको हम रेजर करते हैं एक बार में। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे हमारे पास क्या है, केले के पौधे से फक्त के फक्त की दूरी बताई। ये आप लोग हमको बताओगे कमेंट में पिन करके कि केले के पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है। ठीक, ये आपका क्या है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको पहली बार हम क्या क्या होमवर्क दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं। ओके, अगर आप लोग कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों को देखते हैं हम लोग कि आपको फोटो भी मिल रही है, आपको कैसे समझाया जाएगा, बिल्कुल सब चीज़ें समझा रहे रखे। एक एक चीज़ आपको पूरी बोर्ड के बच्चों को तैयारी कराई जाएगी, तो कोई बच्चा परेशान ना हो, उसको अच्छे से तैयारी कि बौछारी सिंचाई के दो लाभ लिखे। तो बौछारी सिंचाई के दो लाभ क्या हैं कि इसमें कम पानी की आवश्यकता होती, बौछारी सिंचाई में कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, समय कम लगता है। अगर इसकी हानि आ जाता है तो उसमें क्या अधिक कॉस्ट की आवश्यकता है, कि अधिक
कॉस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक, टमाटर के बीज शोधन हेतु एक रसायन का नाम लिखे उसका नियंत्रण। तो टमाटर का बीज शोधन अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे कि थायरम या केप्टान, थायरम या केप्टान होता है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय भूमि बनने के कारण, भाई अम्लीय पेत्रक पदार्थों का अधिक प्रयोग होना और अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग होना, कोल फसलें क्या हैं? गोभी वर्गीय फसलों को कोल क्रॉप्स या कोल फसलें कहते हैं, जैसे फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोलो, ब्रोटाइटिस आदि फसलें होंगे। ओके, सिंचाई की पट्टी विधि का क्षेत्र, अच्छा पट्टी विधि होती क्या है और आपको हम पट्टी विधि समझाएं, तो पट्टी विधि का हमारा मतलब होता है, एक बार हम इसको रेजर करते हैं, जब तक आप क्लास को लाइक करते रहो, इसका रेजर का देखना पड़ेगा, थोड़ा महीन रेजर करता है क्यों रेजर। ठीक, पट्टी विधि का हमारा मतलब क्या होता है, तो पट्टी विधि का हमारा मतलब होता है कि ए का कोई है पट्टी के रूप में है, किसे एक क्यारी नहीं देखोगे, पट्टी के रूप में है, किसका है पट्टी के रूप में। ठीक, ओके, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे दिया है प्याज में आद्र गलनों, क्या प्याज तोड़ सिंचाई के अलावा, अच्छा तोड़ सिंचाई को हम लोग कहते हैं भराव सिंचाई भी कहते हैं, तोड़ सिंचाई को हम लोग भराव मतलब हिंदी भाषा में कहते हैं बरहा, बरहा किस टाइप के होते हैं, एक कोई खेत है हमारे पास में, इसके साइड में क्या होता है बरहा होता है, जो आप लोग देखते होंगे बरहा खेत के बीच के अंदर कर देते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग बरहा कहते हैं। अब तोड़ सिंचाई के लाभ क्या है, इससे लाभ क्या है, आसानी से सिंचाई कर लेते हैं, पानी की कम कुशल आदमी की आवश्यकता होती है, इसमें कोई भी इंसान कर सकता है। दूसरा क्या होता रखे है, इसमें कम समय में ही सिंचाई की जा सकती है, कम समय का मतलब तात्पर्य है ना कि पानी तो अधिक मात्रा में लगेगा ही लगेगा। दूसरा इसकी इसमें लागत कम आती है, क्या खेत में लागत कम आती है सिंचाई करने में, और क्यारियां बनानी नहीं पड़ती। हानियां क्या है, इसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, और दूसरी हानियाँ क्या आप लिख सकते हो, पानी की अधिक हानि होती है, दूसरा क्या होता है इसमें कॉस्ट अधिक आती है, जब पानी की अधिक लागत होगी तो पानी अधिक मात्रा में आपको देना पड़ेगा। दूसरा क्या है जाके ऊंच नीची खाली ऊपर नीचे भूमि में इसका सिंचाई हम नहीं कर सकते। अगला क्या है, प्याज में आद्र गलन रोग, आद्र गलन रोग का है मतलब प्याज का वर्टिकल नेम होता है एलियम सीपा होता है, और इसका प्याज में जो हम पौध रोपण करते हैं, क्या करते हैं पौध रोपण करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है उसकी पौधे अधिक पानी पड़ने से गल जाती है, इसी को कहते हैं आद्र गलन रोग। जल भराव क्या होता है, जल भराव का मतलब है गड्ढा, कि क्या वर्षा का मात्रा एक स्थान पर बहुत सारी मात्रा में पानी का इकट्ठा हो जाना उसे जल भराव कहते हैं। अब फसल क्या है, फसल में क्या करते हैं जब बाढ़ आ जाती है उसे जल भराव कह देते हैं, तो वर्षा का मतलब अधिक मात्रा में पानी एक खेत में एक जगह पर इकट्ठा हो जाना जल भराव कहते हैं। इससे कुप्रभाव क्या है, कुप्रभाव मतलब हानियां क्या है, इससे हानियां हमारी क्या क्या है कि इससे फसल की जड़ें गल जाती हैं, वायु क्या होता है, वायु का प्रकाश नहीं मिल पाता उनको, क्या बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं पाती। ओके, फिर आप उत्तर प्रदेश में गुलदाउदी की खेती करिए, तो आपको गुलदाउदी की खेती बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आम तथा लीची क्या है, आम तथा लीची की तुलनात्मक खेती, तो आम का वर्टिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, लीची का होता है लीची चाइनेसिस होता। प्रमुख प्रजातियां आम की लिख दोगे कि आम्रपाली हो गए, दशहरी हो गए, लीची की लीची चाइनेसिस का साइंटिफिक नेम होता है। प्रमुख रोग आम का क्या हो गया कि कोयली रोग हो गया रखे, और प्रति हेक्टेयर उपज कितनी प्राप्त है। इसी प्रकार प्याज और मूली का भी आगे रखे, तो प्याज का साइंटिफिक नेम होता है एलियम सीपा, मूली का होता है रेफानस सटाइवस। मूली में जो हमारी कड़वाहट किसके होती है, सेनेग्रीन के कारण होती है, और प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण होती है। मूली की जो हमारी बहुत सारी फेमस वेराइटियाँ भी है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।